हर स्कूल में कुछ रूल होते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है, पर यह बात अलग है कि हर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया भर से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्कूल रूल जो आपको चौंका देंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, जापानीज स्कूल रूल। जापान में स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी समर हॉलीडे में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी होती है, और इसमें भी स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। शायद इसी वजह से जापान टेक और फाइनेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा अलग है। स्कूल में भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और यहाँ स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद पूरे स्कूल, चॉकबोर्ड और बाथरूम को साफ भी करना पड़ता है। इसी कारणों से स्टूडेंट में पढ़ने वाले प्रेशर को कम करने के लिए 1992 में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देने का डिसीजन लिया, पर इस रूल को सभी स्कूल फॉलो नहीं करते। यहाँ तक कि जब नॉर्थ कोरिया जापान को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा था, तब यहाँ के स्कूल स्टूडेंट्स को इमरजेंसी में बॉम्ब से बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नंबर 9, चाइनीज नैप्स। एक स्टडी के मुताबिक दिन के बीच में आधे घंटे की नींद दिमाग की मेमोरी एंड स्कूल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इसलिए चाइना में स्कूल के सभी ग्रेड के स्टूडेंट्स लंच के बाद आधे घंटे की नींद लेते हैं। छोटे बच्चे यहाँ स्कूल टेबल के ऊपर सोते हैं और बड़े बच्चे अपने डेस्क में बैठे बैठे ही सो जाते हैं। नंबर 8, नो रेड पेंस। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमारे होमवर्क पे काफ़ी रेड पेंस चलाए जाते हैं, पर कॉर्नवॉल इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। यहाँ टीचर्स को रेड पेन चलाना मना है, क्योंकि स्कूल के हेडमास्टर का मानना है कि रेड कलर स्टूडेंट्स के नोटबुक में यूज़ करने के लिए सही कलर नहीं है, इससे स्टूडेंट्स के इमोशनल फीलिंग को हर्ट होता है, इसलिए टीचर्स को ग्रीन पेन यूज़ करना अलाउड है, और टीचर्स को कम से कम 2 या 3 पॉजिटिव बातें हर स्टूडेंट्स के नोटबुक में लिखना ज़रूरी होता है, भले उस स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया हो या नहीं। और यहाँ स्टूडेंट्स भी पर्पल पेन से टीचर के दिए हुए मार्क्स के बारे में लिख सकते हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक टैग। अमेरिका में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं उतना ज़्यादा पैसा यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल को देती है, इसलिए अमेरिका के सहरन हाउस्टन के 2 स्कूलों ने अपने हर स्टूडेंट्स को एक एक इलेक्ट्रॉनिक टैग दे दिया है, जिसे हर समय पहने रहना ज़रूरी होता है। इससे कोई स्टूडेंट स्कूल के बाहर जाता है तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है, और जिससे कोई भी स्कूल से बंग नहीं मार सकता। हालांकि ये बात अलग है कि नॉटी स्टूडेंट्स अपना टैग अपने दोस्त को देकर स्कूल को चकमा दे सकते हैं। नंबर 6, नो फोटो। 2010 में इंग्लैंड के एक स्कूल ने स्टूडेंट्स की फ़ोटो लेने पर पाबंदी लगा दी, इससे कोई भी स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर फ़ोटो नहीं ले सकता, जिससे कि स्कूल में होने वाले किसी भी स्कूल फंक्शन की कोई भी फ़ोटो नहीं है और ना ही क्लास फ़ोटो। स्कूल का मानना है कि ऑनलाइन होने वाले साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए ये रूल बनाया गया है। नंबर 5, नो टॉकिंग अबाउट कॉलेज। स्टूडेंट्स स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट्स को उसका मनपसंद कॉलेज मिलता है तो वह बहुत खुश होता है, पर अगर उसके फ्रेंड को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो वह बहुत अपसेट हो जाता है, इससे स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इसलिए न्यूयॉर्क के कुछ स्कूलों में कॉलेज के बारे में बात करने में मना ही है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पर भी इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, और ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना होता जिससे कॉलेज के बारे में पता चल सके। नंबर 4, नो विनिंग। अगर कोई स्टूडेंट जीतता है तो वह बहुत खुश होता है, पर हारने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसी कारणों से इंग्लैंड के बहुत से स्कूलों ने हार जीत पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के आधे प्राइमरी स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाना ही बंद कर दिया है, और यहाँ ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिशन ना करें बल्कि वो टीम बना कर खेलें, और इसमें भी कोई जीत हार ना हो बल्कि सबको सेम प्राइज मिले, इससे कोई भी बच्चा हारने की वजह से दुखी नहीं होता। हालांकि इस पर कई पेरेंट्स का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे हार कर भी खुश रहने की कला नहीं सीख पाते। नंबर 3, नो बाथरूम ड्यूरिंग क्लास। अमेरिका के शहर शिकागो के एवरग्रीन पार्क हाई स्कूल में
एक सेमेस्टर में सिर्फ 3 बार ही कोई स्टूडेंट क्लास के बीच में बाथरूम जा सकता है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स अक्सर बहाना बनाकर बार बार बाथरूम जाते थे, जिसके कारण से यहाँ के प्रिंसिपल ने ये रूल बनाया ताकि स्टूडेंट्स क्लास पर ध्यान दे सकें। हालांकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं ताकि वे हाइड्रेटेड और हेल्दी रह सकें, और पेरेंट्स इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करते। नंबर 2, नो बेस्ट फ्रेंड। फिर से एक बार लंदन के स्कूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ की थॉमस स्कूल का एक अजीब रूल है कि यहाँ बेस्ट फ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है। इसके पीछे की सोच यह है कि अगर स्टूडेंट्स इतनी कम उम्र में बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं तो वे दूसरे लोगों से घुल मिलकर रहना सीख नहीं पाते, इसलिए यहाँ बड़ी फ्रेंड सर्कल बनाने पर जोर दिया जाता है, इसके बजाय कि एक ही फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप रखने में। इसका एक रीज़न और है कि अगर किसी का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप टूट जाता है तो इससे बहुत इमोशनल पेन होता है। नंबर 1, कैदियों वाला यूनिफॉर्म। टेक्सास का गैंजल्स हाई स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ यूनिफॉर्म को सही और अच्छे तरीके से पहनना ज़रूरी होता है। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर कैदियों का ड्रेस पहनना होता है और लड़कों को ईयर रिंग्स पहनना होता है। पर यह बात अलग है कि इस पनिशमेंट को कई बदमाश बच्चे कूल लगने के लिए यूज़ करते हैं। आपको सबसे अजीब स्कूल रूल कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव ज्ञान एंड विज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान को सब्सक्राइब करें।